मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में और जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। संभावना है कि कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा दिया है। भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में मंगलवार सुबह कड़ाके की ठंड रही। पचमढ़ी, ग्वालियर और राजगढ़ सबसे ठंडे हैं। यहां दिन के साथ रात के टेम्परेचर में भी गिरावट हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बादल छटने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव नहीं होने से मौसम ऐसा है, अगले 2 से 3 दिन तक ऐसी ठंड पड़ेगी। ग्वालियर में पीके यूनिवर्सिटी शिवपुरी के वाइस चांसलर रणजीत सिंह यादव को अस्पताल ले जाने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने राउंडअप किया है। छात्रों पर डकैती के केस के खिलाफ एबीवीपी ने सोमवार देर रात पड़ाव थाने का घेराव कर नारेबाजी की, रात भर प्रदर्शन चला। वीसी को ट्रेन में हार्ट अटैक आया था। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह 4 बजे छात्रों ने हाईकोर्ट जज के ड्राइवर से कार छीनी। कार में वीसी को लेकर अस्पताल पहुंचे। हालांकि वाइस चांसलर को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की तो कार पास खड़ी मिल गई। राजधानी भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का सोमवार को समापन हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आई जमातें लौट चुकी हैं। कई लोग अब भी ठहरे हैं, वे अगले 2 से 3 दिनों में रवानगी करेंगे। पूरे आयोजन के दौरान शहर के कई ऐसे बाशिंदे नजर आए जो पूरे 4 दिन लोगों के आने से लेकर लौटते तक की उनकी सभी व्यवस्थाएं करने में जुटे रहे।